आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटेक साइट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके जरिए हम अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन को आसानी से PC या लैपटॉप किसी बड़े स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल प्ले को ओपन कर लें अपने मोबाइल में और टाइप करें मोबीजेन मिररिंग। जैसे भी आप मोबीजेन मिररिंग टाइप करते हैं, एक ऐप्स ओपन होता है। उस ऐप को ओपन करके इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप पे दो स्टेप इसमें काम करना। पहला कि अपने कोई ईमेल आईडी इस पे रजिस्टर करना है, दूसरा अपना पासवर्ड सेट कर लेना। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद सिंपली इसे ओपन कर लें। ये इंस्टॉल हो गया, आप इसे ओपन कर लें। ओपन होने के बाद कुछ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे फॉलो करें, जो नेसेसरी अलाउ है उसे अलाउ कर दें। ये परमिशन को अलाउ करें। जैसे ही आप अलाउ करते हैं ये नेक्स्ट होता है और गो टू सेटिंग का एक परमिशन मांगता है जो अदर ऐप्स का होता है। तो गो टू सेटिंग में जाके आप इसे अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स को ऑन कर लेना है। और इस ऐप को ऑन करते ही एक बटन होगा स्टार्ट बटन, उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और अपने ईमेल आईडी को इंटर करें और अपने पासवर्ड सेट कर लें जो भी आपका चॉइस हो, और नेक्स्ट बटन पे इसे क्लिक कर लें। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये रजिस्ट्रेशन के बाद का है, वो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लें कि आप इसे USB से भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओपन करते हैं। जैसे ही ये ऐप्स आगे बढ़ता है तो टू स्टेप वेरिफिकेशन का एक आइकॉन देख रहा है, उस पर आप क्लिक कर लें। उसमें 6-डिजिट नंबर जो है वेरिफिकेशन का, जो आप PC और लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे मोबीजेन का, वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, उसको यहाँ पे इंटर कर लेना। आप अपने PC या लैपटॉप में गूगल ऑन कर लें, उसमें टाइप करें मोबीजेन मिररिंग फॉर PC और इंटर कर लें। एक न्यू टैब ओपन होगा, पहला लिंक जो है उस पर क्लिक कर लें, PC वर्जन मोबीजेन पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक न्यू टैब ओपन होता है जिस पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे मोबीजेन के, कि आप इसे कैसे कनेक्ट करें, आप इसे किस चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, USB से कर सकते हैं, वाईफाई से कर सकते हैं, बड़े स्क्रीन पे कनेक्ट करने के लिए इसे इंस्टॉल करना है, डाउनलोड के बाद रजिस्टर करना है और कनेक्ट कर देना। इस पर आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आप शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं। कनेक्ट करना एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत ही आसान है। 3-4 स्टेप है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें, रजिस्टर करें और फिर USB या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर लें। लिखा हुआ है ऐप डाउनलोड रजिस्टर कनेक्ट और सारे स्टेप यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डाउनलोड एंड इंस्टॉल PC टू योर डेस्कटॉप कनेक्ट, जो स्टेप मैंने बताया करके दिखाया वो स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। इट्स इजी टू गेट स्टार्ट। अब ऊपर चलते हैं हम और फिर इसे डाउनलोड कर लेते हैं मोबीजेन जो मिररिंग का, यहाँ पे मिररिंग फॉर PC वर्जन, उस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इंस्टॉल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे कोई एरर आती है तो सामने देखिए यहाँ पे शो कर रहा है क्लिक हेयर, तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड होता है इसे ओपन कर लें और जो भी नेसेसरी परमिशन मांग रहा है उसे अलाउ करें और फिर नेक्स्ट करें और इसे इंस्टॉल कर लें।
इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे ओपन कर लें और सेम ईमेल आईडी जो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में मोवीजन ऐप पे रजिस्टर किया था और पासवर्ड, उसे यहाँ पे इंटर कर लें। आप चाहे तो इसे वायरलेस से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ईमेल आईडी यहाँ पे आपको डालने हैं जो आपने मोबाइल में रजिस्टर किया था और सेम पासवर्ड भी यहाँ पे इंटर करने हैं जो आपने मोबाइल में डाला था। आप चाहे तो गूगल आईडी या फिर फेसबुक आईडी से भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ और फिर पासवर्ड जो मैंने मोबाइल में डाला था, और इसे कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये कनेक्ट होगा, उसके लिए 6-डिजिट नंबर डिस्प्ले करेगा जो यहाँ पे वो आप मोबाइल में डाल लें। मोबाइल में 6-डिजिट नंबर टाइप करेंगे और कनेक्ट जो आइकॉन है उस पर क्लिक करेंगे। कनेक्ट आई पर क्लिक करने पे आपको ये कनेक्ट हो जाएगा और इसे मिनिमाइज़ कर लें, फिर इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं कि आप जैसे जैसे मोबाइल पे इसे इंस्ट्रक्शन देंगे, एक्सेस जैसे करेंगे, मैनेज जैसे करेंगे, वो आपको बड़े स्क्रीन पे आसानी से दिखाई पड़ेगी। आप चाहे तो इसे फुल स्क्रीन करके भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल से गेम खेल सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं चला के, फ़ोटो डिस्प्ले कर सकते हैं, किसी भी ऐप्स को यूज कर सकते हैं, कैमरा यूज कर सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको बड़े स्क्रीन पे आसानी से डिस्प्ले होगी और इसे यूज करना भी आसान है। आप चाहे तो इसे फुल स्क्रीन पे रख के देख सकते हैं, आप चाहे तो इसे नॉर्मल मोबाइल के मोड पे भी रख सकते हैं। तो देखा, आप इतने ही आसानी से हमने इसे दो सॉफ्टवेयर की मदद से वाईफाई और यूएसबी की मदद से कनेक्ट कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट।